नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारी वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। जी हां दोस्तों, आज हम आपको रामफल के बारे में बता रहे हैं। रामफल बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और यह बहुत स्वादिष्ट भी होता है। यह उन मौसमी फलों में से एक है जिसको बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसका प्रयोग स्मूदी, शेक या फिर प्राकृतिक आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। रामफल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इसके स्वास्थ्य वर्धक लाभों के बारे में। यह गर्भवती स्त्रियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का जी ज्यादा मचलाता है या फिर उनको ऐसा लगता है उल्टी हो रही है या फिर होती भी है। इस व्यवस्था में रामफल का सेवन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे न सिर्फ उल्टी आनी बंद होती है बल्कि मानसिक बेचैनी से भी आपको आराम मिलता है और शारीरिक शिथिलता भी कम होती है। बच्चे का जन्म होने के बाद रामफल के सेवन से जो माएं बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके स्तन में दूध ज्यादा नहीं बन पाता है, उनके लिए फायदेमंद होता है। उनको उचित मात्रा में दूध नहीं बन पाता है जिसकी बदौलत बच्चे का सही से पेट भर पाता है और उनका पोषण भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा रामफल में बहुत अधिक मात्रा में शक्कर होता है जिससे कि आप अपने वजन को नियंत्रित रख सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। यह आपके बालों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। रामफल से आप अपने बालों की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए आप दूध के साथ इसके बीजों को कूटकर मिला करके अच्छे तरीके से लेप बनाएं। जी हां दोस्तों, फिर आपको इसके बीज पीस करके मिक्स करना है अच्छे से और एक फ्लेवर तैयार करना है। इस तैयार हुए लेप को अपने बालों में लगाना है। इससे आपके बाल स्वस्थ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं और जल्दी सफेद भी नहीं होंगे। यह एलर्जी और खाव को ठीक करने में हमारी मदद करता है। और आपके कहीं भी शरीर में एलर्जी हुई है या फिर घाव है, अगर आप उसका लेप वहाँ लगाते हैं तो आपके घाव को यह जल्दी भर देता है। रामफल के पत्ते या फिर पेड़ की छाल से शरीर में निशान या जीवाणु के असर से होने वाले फुंसी फोड़े को भी यह खत्म किया जा सकता है। इस घरेलू उपचार से काफी लाभ होता है। यह दांतों और मसूड़े के लिए भी काफी लाभकारक सिद्ध होता है। रामफल में मौजूद कैल्शियम दांत और मसूड़ों के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसी के साथ साथ यह हड्डियों को भी मजबूत करता है। कैल्शियम से दांत मजबूत होते हैं और हड्डियां भी। इस पेड़ की भारी त्वचा से दांतों और मसूड़ों की रक्षा की जा सकती है। इससे दांतों को साफ रखने के लिए पाउडर भी बनाया जा सकता है। दांतों में दर्द होने पर लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप लगातार इसे मंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो मुंह से आने वाली दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है। यह हमारी आंखों के लिए भी काफी लाभकारी होता है। आंखों के लिए रामफल का सेवन बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और राइबोफ्लेविन के कारण यह नेत्र को अच्छा करता है। यह दृष्टि को तेज करता है और यह आंखों की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर में पानी की मात्रा यानी कि पीएच लेवल को संतुलित रखने के लिए रामफल का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके सेवन से घुटनों की तकलीफ में आराम मिलता है। इसमें उपलब्ध मैग्नीशियम शरीर की कमजोरी एवं स्थिरता को दूर करते हैं। यह हृदय घास से भी बचाता है। रामफल में भी उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम एवं मैग्नीशियम हृदय को स्वस्थ रखने में उपयोगी है। यह हार्ट अटैक से बचाता है। रामफल में उपलब्ध फाइबर और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा रक्तचाप को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय घास से आपको बचाती है। यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने का कार्य करती है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के लिए और विटामिन सी के लिए रामफल एक अच्छा स्रोत है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इसके लगातार सेवन से शरीर के कई हानिकारक पदार्थ जैसे फ्री रेडिकल्स, निशानों को बाहर निकाला जा सकता है जिससे आपकी बीमारियों से सुरक्षा हो जाती है। इसके नियमित सेवन से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। यह वजन को बढ़ाने में भी हमारी काफी मदद करता है। अगर आप अपने फिगर को लेकर के परेशान हैं, तो रामफल आपके शरीर को बहुत अच्छा बनाने में मदद करता है। इसका सेवन करेंगे तो इसमें मैग्नीज और शुगर होने के कारण यह आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से विकसित करता है और इससे कोई हानि भी नहीं होती है। नियमित और नियंत्रित मात्रा में रामफल का सेवन करने से शरीर में आसानी से वजन बढ़ जाता है। नियमित रूप से करना है और नियंत्रित मात्रा में करना है। ऐसा नहीं आप सोचे कि बहुत
जल्दी वजन बढ़ाना है तो आप ज्यादा इस्तेमाल करें, नहीं दोस्तों वो नुकसान भी आपको कर सकता है। इसीलिए इसका उचित मात्रा में उपयोग कीजिए, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।